हेलो गाइस, दिस इज मी हमजा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं रोडीज के ऑडिशन देने और यहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर है। फिलहाल मैंने अभी एंटर किया है यहाँ पर, बिकॉज मैंने स्टेज जो किया था वो अपनी बहन के यहाँ पर किया था। पीछे आप देख रहे होंगे लाइन लग रही है, गर्ल्स की लाइन लग रही है यहाँ पर, बॉयज़ की लाइन जो है पीछे लग रही होगी। और मैं अभी जाके देखूंगा कि बॉयज़ की जो लाइन लग रही है वहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, सब आपको बैकग्राउंड में दिखाऊंगा, मतलब सब आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं बिना देरी करे। और तो जैसे कि गाइज ये गर्ल्स की लाइन लगी हुई है और ये सब रोडीज़ के ऑडिशंस के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग ऑडिशंस के लिए लगे हुए हैं ये लोग जितने भी हैं सब के सब। और ज़्यादा गर्ल्स आती नहीं हैं, गर्ल्स थोड़ी ही हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर मतलब गर्ल्स से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। वो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत नर्वस हैं, तो लोगों से पूछेंगे क्या एक्साइटेड हैं। हेलो, रूडीज़ के ऑडिशंस के लिए आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल। तो ऑडिशंस में क्या क्या करने वाले हैं आप? जैसे आज का आपकी बार का टाइटल जो है करम और कांड का है, तो क्या है, क्या सीन है, क्या सोचा है? अभी तक तो करम करने का सोचा है, अब अगर जजेस उसे कांड क्लियर कर दे तो उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल करम में क्या क्या करा है, मतलब अभी तक लाइफ में क्या करम करें? बेसिकली तो आई एम अ म्यूजिशियन, मैं सिंगिंग करती हूँ एंड वोकल टीचर भी हूँ साथ में। वोकल टीचर, वेरी गुड। और थोड़ा बहुत प्ले भी कर लेती हूँ इंस्ट्रूमेंट्स को। तो क्योंकि आपकी बार जजेस जो है गैंग लीडर सब चेंज हो चुके हैं, तो आप लोग इन लोगों के लिए एक्साइटेड हो, मतलब जो न्यू जजेस वगैरह आए हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जज तो जज होते हैं आप, वो हमें अच्छे ही गाइड करेंगे। बट रणवीर सर के लिए स्पेशल वाला फीलिंग होता है। तो चलिए ठीक है मैम, अपने आप बताइए। तो आप मतलब एक्साइटेड हैं ऑडिशन के लिए? क्या करने वाले हैं आप अंदर जाकर? यू आर डांसर? हाय, मैं टेबिला मिस इंडिया से हूँ और आई कांटली जज शो प्रिंस के साथ भी शो जज करे हैं। प्रिंसर के साथ? हाँ जी, जयपुर में। जयपुर? तो आप आपके लिए तो एक मतलब बहुत अच्छा चांस समझ लो अगर प्रिंस सर मिल गए यहाँ पर। तो चांस की बात नहीं, आई थिंक रोडीज इज इक्वल फॉर एवरीवन एंड आई एम हियर टू प्रूव माई सेल्फ ऑन मैरिट। क्या करने वाले हैं? जैसे आपकी बार करम और कांड का टाइटल है, तो करम और कांड में क्या करने वाले हैं? आई बिलीव इन करम, मुझे लगता है कि हमें करम करने चाहिए और उसका फल मिलता है और यही मिलता है, तो बस करम करेंगे। चलिए थैंक यू। तो जैसे कि यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं ऑडिशंस को लेकर, और मतलब काफ़ी लोगों की भीड़ आ चुकी है। अभी हम बॉयज़ की तरफ जाएंगे, गर्ल्स का तो ये ऑलरेडी हमने शूट कर लिया है थोड़ा सा, तो अब हम जाएंगे बॉयज़ की तरफ। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और मैं अंदर आ चुका हूँ लाइन के अंदर। और ये यहाँ पर प्रशासन भी आ चुका है और बहुत तगड़ा प्रशासन है। तो जैसे कि गाइस मैं मतलब लाइन में लगा हूँ, ये रोडी है, लाइन में पसीना दिख रहा होगा आपको, ना रोडी बनने लायक हूँ तुम्हें पता तो नहीं ये बिल्कुल पसीना आ रहा है मेरे भाइयों को, सबको यहाँ पसीना आ गया। मैं आपको लेके सब भाइयों जितने मेरे भाई हैं सब पसीने में लग गए हैं। देखना भाई कितने के पसीने में लग गए हैं, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। देखो कितने पसीने में हो रहे हैं यार दोनों भाई, लाइक भी कर। और बहुत भीड़ लग रही है गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। आप देखना यार, हम तो आगे चक्कर दे रहे हैं। सारी पब्लिक है वहाँ पर, सबके रोडीज 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 कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको आगे का दिखाते हैं। रोडीज का ज़्यादातर मसला यही होता है, जब भी मैं ऑडिशन देना आता हूँ तभी यही हाल होता है यहाँ का। और लास्ट टाइम तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब फिर यहाँ पर भीड़ है और हर जगह लाइन लगती है, हर 10-15 कदम के बाद लाइन लगती है यहाँ पर। बहुत बुरा हाल है और देख रहे होगे आप लोग, हर जगह यहाँ पर बैरिकेड लगे रहते हैं, बैरिकेड लगे रहते हैं, हर जगह पसीने। श्रिया Sandy!
रहा है सैंडल इधर एक फोटो करमर कांड के बारे में इंटरव्यूज ले रहे हैं लड़कियों के और नशरा भी खड़ी है सामने। तो जैसे कि बैरिकेड वगैरह तोड़ दिए इन्होंने सबने और सब रेडी हो ना। हामिद जैसे मैंने हामिद सर के साथ सेल्फी ले ली है और यहाँ फुल धूम बट रहा है। वैसे हमारा जोश भी कुछ खतरनाक से मौज ले रहे हैं और बट रही है ये भी सही कह रहे हैं। गाइस मेरा पहला वाला जो फॉर्म है वो बेकार हो गया था तो इसलिए मैं सेकंड फॉर्म ले गया हूँ। फर्स्ट मेरा ये है क्या होगा आपको फील दिखा होगा ये सारा का सारा। तो ये मेरा फॉर्म पूरा ख़राब हो गया इस वजह से मैं दूसरा फॉर्म लेके आया हूँ उसी नंबर पर और न्यू तरीके से अच्छी तरीके से फॉर्म को भरूँगा। बैठे कम से कम 7 घंटे हो चुके हैं। मैं जब एंटर करा था आप लोगों के सामने उसके बाद से ही मैं बैठा हुआ हूँ। फॉर्म मैंने कब का जमा कर दिया बट अभी तक कोई कुछ भी नहीं पता चला है। ना इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास, ना मेरा नंबर आया है, ये मेरा टैग नंबर है मेरा अभी तक नहीं आया। और यहाँ पर तमाम लोग जितने भी हैं सब दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ही अनाउंसमेंट होगा 2583 2585 1353 2851 2803 और अब जा रहे हैं ऑडिशन देने। नीरज 3803 नीरज कम से कम 11 घंटे में नंबर आया आवाज़ में बैठी ऑडिशन पता नहीं कैसा जाएगा। लाइन ऑडिशन देने के लिए आ गए और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ ऑडिशन का वेन्यू। ऑडिशन के लिए लेके जा रहे हैं हम लोगों को ये सब के सब बेचारे ऑडिशन के लिए ही बैठे हुए हैं। तो उसको वो सोलो रोटी पूरी करनी बहुत जरूरी है तो मेरे लिए वो सोलो रोटी है क्योंकि व्हेन आई वाज बॉर्न ठीक है मैं अच्छी फैमिली में पैदा नहीं हुआ इन द सेंस की फाइनेंशियली। आफ्टर दैट देखा जिंदगी में मम्मी को अब्यूज किया गया पैसे नहीं थे दूध थोड़ा सा होता था उस पर पानी डाला जाता था वगैरह वगैरह गीला। तो गाइस मेरा जो जीडी है वो फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और अब जो रात को कॉल आएगी पता चलेगा कि ऑडिशन कैसा गया कैसा नहीं गया। रात की 1 बजे कॉल आएगी मैंने अपना जो टैग है वो उसको बिल्कुल बंगल बनाकर साइड में फेंक दिया है इसका कुछ काम नहीं है अब क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा जो मुझे नया फॉर्म मिलेगा कल और नए फॉर्म से फिर हम नई शुरुआत करेंगे कल की दिन की। बाय बाय टेक केयर ये व्लॉग